जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में मिली सूचना के अनुसार सभी नदियों का जलस्तर घट रहा है। तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी नदियों का पानी तहसीलों में घट रहा है। उन्होंने बताया कि तहसीलों में जैसे जैसे पानी घट रहा है, वहाँ पर दवाओं का छिड़काव और सफाई करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अगले कुछ दिनों में बाढ़ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बाढ़ है, वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 23,000 से ज्यादा राशन किट का वितरण किया जा चुका है और जिन लोगों का बाढ़ से घरों की क्षति हुई है, उनको राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, अब आज जो रिपोर्ट हमें मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई मंडल से और सेंट्रल वाटर कमीशन से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अब सभी जगहों से नदियां उतार पर आ गई हैं और तहसीलों से भी जो समीक्षा हुई है उसके अनुसार भी नदियां अब काफ़ी तेज़ी से घट रही हैं। आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सर द्वारा भी सभी तहसीलों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई है और जैसे जैसे अब पानी उतर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप में छिड़काव और सफाई कार्य संचालित किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अभी जो बाढ़ की स्थिति है, अगले कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाने की संभावना है। सर, जिन क्षेत्रों में बाढ़ है, क्या उसमें राशन कार्ड? देखिए, राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से पानी उतरता जा रहा है, उन ग्रामों में राहत खाद्यान्न किट वितरित किया जा रहा है। अब तक जो कल तक तो 23,090 किट वितरित हुए थे, आज भी वितरण चल रहा है और यह आशा की है, उम्मीद है कि आज भी करीबन 3,000 परिवारों तक राहत खाद्यान्न किट की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाए। लगातार कम्युनिटी किचन भी चल रहे हैं ताकि लोगों को पका भोजन भी मिल सके। तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन किंतु जिनके भी नुकसान हुए हैं, जिनके भी घर प्रभावित हुए हैं, उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार अनुमन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।